लगता है दुश्मन ने हमला बोल दिया। हमारे मुखबिरों के मुताबिक उनकी फौज अभी आगे नहीं बढ़ी है। तो ये नगाड़े, हमें बादशाह को इतला कर देनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई चाल भी हो सकती है। शायबानी खान किसी भी हद तक गिर सकता है हुजूर। दरवाजा खोलिए और सिपाहियों से कहिए कि तैयार रहें। जलाल खान, ये कासिद भी पकड़ा गया। ऐसे तो मदद आनी मुश्किल है। हमारे पैगाम पढ़े नहीं देखे जाते हैं। आजमा लेते हैं एक दूसरे को बाबर, किसका सब्र टूटता है। बात साफ है हुजूर, शेबानी ने पहले भी दो बार घेराबंदी की है, लेकिन इस बार लगता है हमारे लोगों का हौसला टूट रहा है। और उस पर यह बढ़ती हुई सर्दी, लगातार मुसीबतें बढ़ रही। कोई तो है जो महल के अंदर से शेबानी की मदद कर रहा है। जलाल खान तीसरा कासिद है जो काबुल जाते हुए पकड़ा गया। पर बादशाह, महल के अंदर तो सभी आपके अपने हैं, पर आखिर कोई अपना ऐसा क्यों करेगा? वही तो पता लगाना है कि इस बार हमारा कौन सा अपना हमें दगा दे रहा है। अगर शेबानी सब जानता है तो ये भी जानता होगा कि हमारी आवाम के बस खाना नहीं है। हमारे गोदाम खोल दीजिए लोगों के लिए। लेकिन हुजूर, हमारे लोग भूख से ना मरे हमारा जिम्मा है। पर बादशाह,
शाही गोदाम भी ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। फिर तो दो हफ्ते बाद आएगा, तब तक हमें अपने दुश्मन को ढूंढना होगा। देखते ही देखते 3 महीने हो गए इनकी पैदाइश को भी और शेबानी खान की घेराबंदी को भी। फर्क ये है कि शेबानी की घेराबंदी इंसानी खुद गर्जी और बेरहमी की एक मिसाल है और ये मासूम खुदा के करम का एक और सबूत। इन दोनों का जिक्र भी कभी एक साथ मत करना। शेबानी अगर आज तुम्हारे लिए मुश्किलें और तकलीफें लाया है तो तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे आने वाले कल के लिए खुशियां और उम्मीदें। सवाल तो ये है कि क्या आने वाला कल आ सकेगा? पिछले 6 सालों में शेबानी का ये 3रा हमला है। आज आवाम भूखी है, कल हम और ये होंगे। शायद बाबर को और हम सबको अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। न बाबर इतने कमजोर हैं और ना ही शेबानी इतना ताकतवर। फिक्र मत करो, शेबानी को अब की बार भी खाली हाथ ही लौटना होगा। बाबर टूट रहा है, बहुत जल्द बिखर भी जाएगा। भूख से मरते अपने लोगों को देख नहीं पाएगा। वो अपने अब्बा की तरह है, नर्म दिल। तुम्हारा मतलब कमजोर दिल। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई दुश्मन सर्दी में हमला कर सकता है। लेकिन शेबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म हो जाती है। तुमने भी बाबर के अपनों में से गद्दार ढूंढकर उन्हें हमारे साथ मिलाकर वफादारी का अच्छा सबूत दिया है गंबर अली। न बाबर उनसे बेवफाई करता और न हमें यह मौका मिलता। बाबर का ख्वाब सिर्फ एक घर है, अपने खानदान के लिए, अपनी आवाम के लिए एक घर। और शायद इसी तलाश ने उसे बेवफा बना दिया। बिगुल की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। बाबर ये समझ ले, इस बार हम वापस नहीं जाएंगे। और देख ले कि शेबानी खान का शोर उसके जोर से ज्यादा है। शहजादी, शाह बेगम ने बुलाया है। हम आते हैं। लोगों के लिए इस वक्त शाही गोदाम खोल देना कहां की समझदारी है। बाबर बिल्कुल अपने वालिद की तरह है, जो रियासत के लिए सही नहीं होगा। अब्बा जान ने हमेशा सही किया है और हमें यकीन है बाबर भी सही करेंगे। आप जो कर रहे हैं वो दरिया दिली नहीं, बेवकूफी है। ये बेवकूफी हमारी आवाम का पेट भर रही है।
वो देखिए, आपको क्या लगता है ये सुरंग खोदकर दुनिया के उस पार निकलेंगे? शायद वहीं ज्यादा खुश रहें, कम से कम अपनी मौत से पहले भूख से तो नहीं मरेंगे। कोई नहीं मरेगा बाबर, शाही गोदाम खोलकर आपने सही किया या गलत ये नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि एक अच्छे बादशाह को अपनी आवाम के लिए यही करना चाहिए था। चलो बढ़ो, खाना मिल रहा है, खुश रहो, चलो आगे। मेरे घर में तो आठ लोग हैं, इससे तो एक का भी पेट नहीं भरेगा। ए बुढ़िया चल, ए बढ़ो आगे। ठीक तो कह रही हैं। बादशाह ने हर घर के लिए दो बोरी अनाज देने का वादा किया है, तुम लोग तो एक मुट्ठी भर भी नहीं दे रहे। अरे अरे जरा गौर से देखिए कौन बोला, बादशाह के खास दोस्त। हुजूर आप कतार में क्या कर रहे हैं? आपसे कोई बात नहीं कर रहा, तुम्हारा जो हुक्म है तुम वो करो, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, दो बोरी अनाज हमारा हक है, वो दो। नहीं चाहिए भीख तो ठीक। बंद करो गोदाम। अरे नहीं, ऐसे भीख नहीं चाहिए। चलो चलो बहुत बनता है अपने आप को बादशाह का खास दोस्त। आज तो हुजूर बहुत खुश होंगे, इनाम मिलेगा आज। बेफिक्र रहिए, अनाज यूं ही कम होता रहेगा और भूख से मरती हुई आवाम खून खराबे पर होता रहेगा। सिर्फ शहर के बाहर ही नहीं, अंदर भी दंग। बादशाह के कमरे से चोरी किया है, गिरफ्तार नहीं करोगे मुझे? बादशाह से चुराने की बहुत सक्सेस हो सकती है, पता नहीं तुम्हें कहां से मिला तुम्हें ये? बादशाह ने खुद मुझे दिया था। हो ही नहीं सकता, बादशाह को ये तावीज उनकी नानी जान ने दिया था, वो ये किसी को नहीं देंगे, तुम्हें इस चोरी की सजा मिलेगी। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये तावीज बादशाह ने खुद मुझे दिया। हुजूर, शाह बेगम की तावीज चुरा के भाग रहा था। कासिम, आप अपना वादा भूल गए तो क्या हुआ? चलिए कम से कम मैं तो याद हूं आपको। ये तावीज हमने दिया था इसे। लेकिन हुजूर, इसने सिपाही से खुद कहा। बादशाह से मिलने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है?
और देखिए मिल लिए। बताइए क्यों मिलना चाहते थे? मैं यहां आकर आपसे आपके जुल्मों का हिसाब मांगना चाहता था। आवाम भूखी मर रही है उस जुल्म का। अबू बख्श की तरह आप भी लोगों को भूल गए उस जुल्म का। पर यहां आते हुए पता चला कि आप तो खुद ही जुल्मों का शिकार हैं। जब घरवाले ही धोखा दें तो उससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? आपकी परेशानी से परेशान है शायद। आखिर कौन परेशान नहीं है? शायद ये भी जानते हैं कि अपने बादशाह से गुस्ताखी करना फिजूल है। राजगद्दार भी जानते हैं हुकूमत को कमजोर करने की हर चाल चली जा रही है। शहर में दंगे छिड़वा दिए गए हैं महमूद। अगर शैबानी तक ये खबर पहुंच गई तो? नहीं पहुंचेगी। गद्दार का पता चल गया है। उसे अंदर लाइए। तुम्हारे आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं। मगर भूल गए, जहां रास्ता ना हो वहां भी रास्ता निकाल लेता है कासिम। तुम मुझे पहचाने नहीं मगर इतने साल बाद भी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं भूला महमूद। तुमने अपने बादशाह को नहीं अपने खून को धोखा दिया है। आपने भी तो वही किया है अपना वादा तोड़कर। समरकंद में आने के लिए आपने किया ही क्या था? इसके साथ एक चूहे की तरह बिल में से घुस के आए थे बस। महमूद आवाज। निष्का नहीं होती तो क्या आज ये यहां होते? नहीं, वो अपने अब्बू के खिलाफ गई। अपना सब कुछ खोया निष्का ने और आखिर में जीता कौन? आप। नहीं वजीर, इनका इंसाफ हम नहीं करेंगे, समरकंद के लोग करेंगे। ये समरकंद के लोगों के गुनहगार हैं। मैं आपकी बीवी और बच्चे की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। महमूद, महमूद हुजूर को बादशाह ने गद्दार करार कर चौक में लोगों के रह तुम जा सकती हो। हमने कहा जाओ।
तुमने एक बार फिर हमारी मदद की है कासिम। सिर्फ शुक्रिया काफी नहीं, इसलिए हम तुम्हें अपना खास सलाहकार बनाते हैं। पर हुजूर, किसी की शख्सियत नहीं, उसके इरादे देखने चाहिए। मामा हुजूर नहीं जानते महमूद कत्तार थे? उनके लिए सिर्फ उनकी औलाद थे। बगावत में उन्होंने शैबानी को अपनी मदद का वादा कर दिया है, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। समरकंद के लोगों की जिंदगी हमारी शान से कहीं ज्यादा कीमती है। शैबानी खान से अब यह जंग खत्म करनी होगी। फरगाना तो जा चुका है, अब समरकंद भी शैबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहां जाएंगे? हिंदुस्तान, हमारी मंजिल तो वही है। ये बाकी सब संगे मील है नानी जान। ख्वाबों की बातें मत कीजिए बाबर। लोदी सल्तनत को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए और ताकत के लिए वक्त। और इस तमाम वक्त हम समरकंद के लोगों की जिंदगी दाव पर लगाए रखी, हमसे नहीं होगा। समरकंद को पाने के लिए हम सब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, मत भूलिए। इस रियासत के जर्रे जर्रे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। हिफाजत? हिफाजत खतरे को मिटाकर ही की जा सकती है, और समरकंद को जिसका खतरा है वो है शैबानी खान। शैबानी की फितरत है धोखा, और आपकी शराफत। उसको उसी के खेल में हराने के लिए आपको शैबानी की तरह सोचना होगा। ऐसी चाल चलिए जिसकी उसको आपसे उम्मीद ही ना हो। शैबानी को पैगाम भिजवाइए कि हम उसे मिलना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं बाबर। खतरों से तो हम 14 साल की उम्र से घिरे हैं नानी जान। बादशाह बाबर, इसी दीदार का तो हमें सालों से इंतजार था। आपने हमारी बेचैनी खत्म कर दी।
जरूर आपके नासमझ सलाहकारों ने ही इस चाल का सोचा होगा। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि शैबानी खान को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। हाँ नहीं, खत्म कर सकते थे, लेकिन शराफत बीच में आ गई। हम धोखे से किसी को नहीं मारते, लेकिन तुम नहीं समझोगे। शराफत बचपन से महलों में पलने वाले बातें बहुत बड़ी करते हैं। जब घर नहीं रहेगा तो शराफत भी अपने आप चली जाएगी। ये तुम अभी नहीं समझोगे, जिंदगी सिखा देगी कि जीतने के लिए हर चाल जायज है। खैर, बहुत मुफ्त की सलाह दे दी तुमको, चलो अब जल्दी से हमारे मतलब की बात कहो। हम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर समरकंद का तख्त तुम्हारे हवाले करते हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। सबसे पहले तुम समरकंद के लोगों की हमेशा हिफाजत करोगे, उन्हें हर तकलीफ से बचाओगे तुम। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मंजूर। और दूसरा, हमें और हमारे तमाम करीबी लोगों को बाहिफाजत जाने दोगे तुम, मंजूर है? बिल्कुल, तुम अपने लोगों के साथ यहां से बाइज्जत जा सकते हो, सिवाय एक के, खानजादा। तुम्हारी होशियारी थी कि तुमने हथियार डाल दिए, पर हमारी बेवकूफी होगी अगर हम ये समझ ले कि तुम दोबारा हम पर वार नहीं करोगे। हमारी शर्त है खानसादा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सबकी मौत या एक की जिंदगी। हमें उसकी शर्त मंजूर है। हरगिज नहीं। उससे जाके कह दीजिए कि पहले उसे हमारी शर्त पूरी करनी होगी, तो बाबर को और हमारे सभी लोगों को सिर्फ जाने ही नहीं देगा, बल्कि उनका पीछा तक नहीं करेगा। और अगर गलती से सामना हो भी जाए तब भी वो उनकी जान बख्शेगा हमारे कैद के बदले हमारे खानदान की आजादी। नहीं आपा, हम आपको बाबर, हमारे खानदान से बढ़कर हमारी जान नहीं है, हमारे लोगों से बढ़कर हमारी जान नहीं है। हम फैसला कर चुके हैं, यह है हमारी शर्त। मंजूर है। बादशाह, बादशाह हुजूर। Yeah.
फैसला तुम्हारे हाथ में है, सबकी मौत या एक की जिंदगी। खानजादा, हिफाजत खतरे को मिटाकर ही की जा सकती है, और समरकंद को जिसका खतरा है वो है शेबानी खान। हमारी नाकामियों की यही सजा है। हरगिज नहीं, ये हमारा फैसला है, आपके बादशाह का फैसला। हमें उसकी शर्त मंजूर है। एक दिन हम तुम्हारी इस खामोशी को और तुमको तोड़ कर रहेंगे। तुम अपने लोगों के साथ यहां से बाइज्जत जा सकते हो, सिवाय एक के, इस रियासत के जर्रे जर्रे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। हमें उसकी शर्त मंजूर है। शेबानी खान से अब यह जंग खत्म करनी होगी। हम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर समरकंद का तख्त तुम्हारे हवाले करते हैं। एक कमजोर काफी है फरकाना थी। हम बाबर को ऐसे नहीं देख सकते, अपने मकसद से गुमराह हो गए। कुछ करिए वजीर खान, हम अपने बादशाह को यूं गवा नहीं सकते। ये सब तेरी गलती है। एक सिपाही अपनी तकलीफ जंग से कम करता है, शराब से नहीं। बाबर मेरे दोस्त हैं, मुझे जो ठीक लगा मैंने उनके लिए किया। कौन के रास्ते से गुमराह करके? तकलीफ में अक्सर इंसान गुमराह हो जाता है, जज्बात की बात है, शायद आप नहीं समझेंगे। जिस दिन से तेरा सहारा पड़ा है, हुजूर की जिंदगी पर जैसे बद्दुआ लग गई है। आप कर लीजिए जो करना है, मैं तो साये की तरह बाबर के साथ रहूंगा। आप तो सिर्फ उनके मुलाजिम हैं, मैं उनका हमराज, हमदर्द, हमसाज, मैं उनका दोस्त हूं। मेरी दोस्ती, मेरी वफादारी, मेरी मोहब्बत सब आपकी है।
आप यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा समझदार हैं। आपके खून आपकी नस्ल का यहाँ कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जो खून ये जुल्म बर्दाश्त कर ले, खबरदार रहता है। हमारे जख्म भरने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमें मशवरा देने का हक है। 2 साल बहुत होते हैं ये समझने के लिए कि आपकी शक्ति शैबानी को नहीं, आप ही को तोड़ रही। आपका गुरूर आपकी कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर शैबानी हर बार आपको शिकस्त दे रहा है। क्या कहेंगे जब बाबर से मिलेंगे कि उनकी आपा एक वैशी से हार गई? आपकी अक्ल और आपकी तलवारबाजी के बड़े किस्से सुने हैं, तो फिर ये भी जानती होंगी जो जंग तलवार से नहीं जीती जा सकती उसे अक्ल से जीत सकते हैं, दुश्मन की कमजोरी पे वार करके। शैबानी के दुखते रग को पकड़िए, उसे सहलाइए और वक्त आने पर काट दीजिए। मत भूलिए आप कौन हैं और ना ही किसी को भूलने दीजिए। बचा है ना आपने? वजीर खान, इस खानदान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। समरकंद फरगाना किसी की हिफाजत नहीं कर पाए आप। हुजूर संभालिए अपने आप को। आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से आज अम्मी अपनी गैर जिम्मेदारी
अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना कितना आसान है ना। माँ की हिफाजत उसके बेटे का फर्ज है। जो अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर सकता वो किसी सल्तनत की क्या करेगा, शैबानी को कैसे मात देगा। ये वजीर खान जो आपके साथ जब से खड़े हैं, जब आपने अपने पांव पे खड़े होना भी नहीं सीखा था, और ये बैसंगर समरकंद के सपा सलार जिन्होंने आपके लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, आपको पनाह दी, इन दोनों की रहनुमाई के लिए हर फौज ख्वाब देखती, और ये आपके एक इशारे पर अपने जान कुर्बान करने के लिए खड़े हैं। आपके लिए एक नाकाम एहसान फरामोश इंसान, शराब और अय्याशियों में डूबा हुआ हारा हुआ इंसान। आप क्या समझते हैं तकलीफें सिर्फ आपको हैं? कभी आपने हमारी तकलीफों को समझने की कोशिश की? हमारा दर्द, हमारी कुर्बानी, हमारा फैसला जिसने आप पे एतबार करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आपको अपना खून कहने में शर्म आती है? आपको हम जा रहे हैं नानी, और जब लौटेंगे तो आपकी राय हमारे बारे में बदल चुकी होगी। हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। हकीकत है जिसे हमने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया है। चेहरे का नूर चांद को भी शर्मिंदा कर सकता है, लेकिन ये नूर ढल जाएगा खानसादा, तब चांद के नूर से ज्यादा गहरा होता है रात का अंधेरा। सिर्फ ये चेहरा हमारी पहचान नहीं,